इसका जो लो इंजन ऑयल वाली जो लाइट है ना यहाँ पे जो जलती है वो दूर होने का नाम नहीं ले रही है यार। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग, न्यू मोटो व्लॉग। तो भाई टाइम हो चुका है 8:47 और देखो भाई कोहरा कितना ज़्यादा, आज फॉग ही फॉग हो रखा है। और काफ़ी दिनों बाद मैं अपने मोटो व्लॉगिंग सेटअप को लेके डेली ऑफिस जैसे जाता हूँ ना वैसे ही जा रहा हूँ। तो भाई काफ़ी ज़्यादा फॉग फॉग लग रहा है। सोचा यार काफ़ी दिन हो गए थे कुछ वीडियोस नहीं बना रहा मैं मोटो व्लॉगिंग से रिलेटेड, तो बना ली जाए। सुबह सुबह फॉग नहीं आता लेकिन एकदम से फॉग आ रहा है, दो तीन दिन से ऐसा ही हो रहा है लगातार। और ये जा रही है भाई N250, इसका साउंड थोड़ा सा अलग है N250 का, 160 के अकॉर्डिंग। सो आज की वीडियो का टाइटल और थंबनेल को देख के थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि आज की वीडियो होने वाली है किस टॉपिक पर। और आज की वीडियो भाई एक सॉल्यूशन चाहिए मुझे आप लोगों से, जैसा मैंने हैंडल बार के लिए पूछा था आप सभी से, तो आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। आपने मेरे को एक सजेशंस दिए काफ़ी बढ़िया बढ़िया हैंडल के लिए, लेकिन आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो है भाई कि इसका जो लो इंजन ऑयल वाली जो लाइट है ना यहाँ पे जो जलती है वो दूर होने का नाम नहीं ले रही है यार। लास्ट मैंने 4 सर्विस की वीडियो डाली थी, उसके बाद एक रिव्यू डाला था, उसके बाद फाइल अपडेट वाली वीडियो भी डाली थी, तो जब तक तो वो सेंसर की दिक्कत नहीं लग रही थी, लेकिन जब तक वो दिक्कत आई भी नहीं थी। लेकिन रिसेंटली मैं आपको वीडियो नहीं दिखा पाऊँगा उस चीज़ की, वो जली है नहीं जली है, बट ये है कि मैं लास्ट 2 बार दिल्ली जा चुका हूँ। दोनों बार में ना जैसे मैंने चलाई है 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर, तो भाई फिर से वही प्रॉब्लम आई है, फिर से लो इंजन ऑयल वाली लाइट जल गई और फिर से क्या कहते हैं थोड़ी देर बंद रखी बाइक को, फिर वो चली गई। तो ये सिस्टम समझ नहीं आ रहा यार किस वजह से हो रहा है, किस कारण से हो रहा है। और अब मार्केट में इतनी N160 हो गई है कि सभी के पास, जिनके पास भी N160 है उनको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिली हो या जिन्होंने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया हो वो भाई मेरे को कमेंट करके बताओ। पहले भी मेरे पास कमेंट आए थे कि भाई इसका ऑयल प्रेशर सेंसर आता है वो चेंज करवा लो, बट लास्ट सर्विस में मैंने बोला था ऑयल प्रेशर सेंसर बदल दो, लेकिन उन्होंने बोला फाइल अपडेट से हो जाएगा। बहुत से बोलते हैं ECU अपडेट करा लो, मैंने सब चीज़ करवा लिया एक चीज़ को छोड़ के, वो है इसका ECU चेंज और इसका जो ऑयल प्रेशर सेंसर है वो चेंज। तो ये दो चीज़ें रह रखी हैं अभी, तो अभी टाइम ही नहीं मिल पाता है, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहता ही ऑफिस के टाइम से। और सैटरडे संडे जाओ तो सर्विस सेंटर वालों के पास इतनी भीड़ होती है कि उनके पास सर्विस की गाड़ियाँ इतनी होती है कि वो कंप्लेंट तो देख ही नहीं पाते हैं। किसी भी सर्विस सेंटर में चले जाओ सबका यही हाल है। मैं सोच रहा हूँ एक बार और जाके देख लेता हूँ और उनको बोल देता हूँ ऑयल प्रेशर सेंसर चेंज करके दे दो मेरा, और अगर नहीं हुआ तो फिर मैं इसको बाहर दिखाने वाला हूँ कि ये प्रॉब्लम किस वजह से आती है। हालांकि इस प्रॉब्लम से ऐसी कोई मेजर दिक्कत नहीं है मतलब गाड़ी चलाने में या कुछ, बट फिर भी यार एक कहते हैं ना कि थोड़ा सा एरर भी रहेगा आपकी इसमें तो आपको डाउटफुल रहेगा कुछ ना कुछ कि यार कुछ और ना हो जाए। तो मेजर प्रॉब्लम तो मेरे को यही नज़र आ रही है कि ये जो लाइट है ना ये बंद होने का नाम नहीं ले रही है। मेरे को लगा था लास्ट सर्विस के बाद से कि हाँ यार अब तो हो गई है, क्योंकि लास्ट मैंने 30-40 किलोमीटर भी चलाई थी पंचगांव वाली राइड पे, उससे पहले ही सर्विस हो रखी थी तो उस टाइम पे भी चलाई थी, तो तब भी ऑन नहीं हुई थी वो लाइट। लेकिन जब मैं दिल्ली गया ना और 80 किलोमीटर के बाद मतलब 50-60 किलोमीटर चला ली, 70 किलोमीटर चला ली, तब तक भी नहीं आई थी, मेरे को लगा सही है, लेकिन थोड़ी देर बाद देखा वो जल गई। मैंने कहा यार ये सही नहीं होने वाली, इसका कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो आज की वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि यार मेरे को कोई सोल्यूशन बता दो, अगर कोई गुड़गांव में बंदा है जिसके पास N160 है और जिसने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा हो अपने आप से या उस भाई की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो उस बाइक में, तो भाई मेरे को कमेंट करके बताओ कि भाई कैसे इसका सोल्यूशन हो सकता है। मेरे को तो कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि ये जाने का नाम ही नहीं ले रही है। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ भी देखी हैं तो उनमें यही है कि भाई ये लाइट तो मतलब जलती रहती है, इसमें कभी जल जाती है, देखो अभी नहीं जलेगी और चलेगी तो फिर वही है 60-70 किलोमीटर बाद जलेगी, जल और नहीं जलेगी तो फिर चलेगी ही नहीं। ये सिस्टम है यार इसका, पता नहीं क्या दिक्कत है इसमें। देखो भाई फॉग कितना हो रहा है, दिसंबर एंड चल रहा है कहने को,
एंड क्या हो ही गया एंड। आज ये 27 तारीख का व्लॉग बना रहा हूँ मैं, तो 27 तारीख होने के बाद 27 दिसंबर में भी अब पहला या दूसरा दिन ऐसा है जिसमें मुझे इतना कोहरा देखने को मिला है, वरना पूरा दिसंबर ऐसा ही जाता था। अब ठंड नाम की तो चीज़ रही नहीं है, इतनी ठंड होने ही नहीं लगी है। थोड़ा बहुत कोहरा है आज और कल हुआ था, लेकिन वही है, देखते हैं भाई कैसी रहती है ठंड इस बार की। ज़्यादा ठंड तो पड़ना बंद ही हो गई है क्योंकि पॉल्यूशन इतना हो गया है ना, तो ठंड कहाँ से होगी। ऐसे कोहरे में तो भाई बहुत स्लो स्लो चलानी पड़ती है, इतना भी नहीं है बट विजिबिलिटी है इतनी भी नहीं है, बट हाँ सामने से थोड़ा सा लग रहा है कि भाई यहाँ ठंड लग रही है, ठंड आ गई है अब जाके लगा है, क्योंकि कोहरे वाले में ठंड दिखती है कि यहाँ पर ठंड हो रही है। वैसे ठंड होती नहीं है बट दिख जाती है। सारे सॉल्यूशन मिल चुके हैं मेरे को, बल इसमें जो जो दिक्कतें आई थी ना, मैंने उन सब सॉल्यूशंस उनके सारे सॉल्यूशन निकाल लिए हैं, लेकिन ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो लाइट वाली है ना, लो इंजन ऑयल वाली लाइट, इसका सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है कहीं से कहीं तक भी। क्या करा जाए जिससे की वजह से आ रही है, और कोई ढंग से बताता भी नहीं है भाई। सारे मैकेनिक सब हर बार यही बोलते हैं, मैंने सर्विस वाले वीडियो में भी बोल रहा था, मैंने कहा भाई यही बोलेंगे लेकिन होगा कुछ नहीं, बस नाम मात्र के लिए बोल रहे हैं। मैंने ये तक भी बोल रहा था लेकिन भाई क्या करें, वो सर्विस सेंटर वाले सोचते हैं कि भाई ऐसे ही हो जाएगा, कुछ करना ना पड़े। मैंने पिछली बार बोला, मैंने कहा ऑयल सेंसर चेंज कर दो, बट किया नहीं भाई उन्होंने। तो भाई जिन भाइयों ने अगर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा लिया हो ना, परमानेंट सोल्यूशन जिससे कि कभी फिर जले ही ना वो लाइट, अगर कोई ऐसा एक्सेप्शनल माल फंक्शन नहीं है इंजन ऑयल लाइट के लिए, तो आप मेरे को भाई इस वीडियो पर कमेंट करो और मेरे को बताओ कि इसका क्या सोल्यूशन है क्या नहीं। बाकी ज़्यादा लंबी वीडियो करना नहीं चाहता क्योंकि मुझे सिर्फ इतना ही बनाना था लोग, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने जब बताया था कि भाई सोल्यूशन सॉल्व हुआ है नहीं हुआ, अपडेट कराई, उसके बाद से मैंने रिव्यू दिया नहीं है, तो ये रिव्यू भी है एक तरीके से और आपसे सजेशन भी है कि क्या हो सकता है, क्योंकि भाई रिव्यू बताऊं तो लो इंजन ऑयल वाली लाइट्स अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, और जो जब वो लाइट जली थी तो भाई तब क्या कहते हैं मेरे पास, मैंने कैमरा भी नहीं लगा रखा था जो मैं दिखा सकूं उस वाली क्लिप को, बट हाँ लाइट ऑन हुई है और फिर चली गई है, अभी तो दिख ही नहीं रही होगी कि देखो सही चल रहा है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, और फंक्शनैलिटी से भी ऐसा कोई इफेक्ट नहीं आता उस पर, बट यार फिर भी एक माइंड में रहता है ये जल क्यों रही है हमारा। अगर वही है ना कि अगर हम कुछ चीज़ खरीदते हैं, हमारे पास जो कुछ भी चीज़ होती है, तो उसमें ये रहता है कि भाई इसमें एक दिक्कत आई क्यों है। तो चलो भाई इतना ही था इस वीडियो में, और अगर आपको कोई सोल्यूशन मिले तो भाई कमेंट करके बताना और इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर देना, और रिव्यू पसंद आया हो या वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ ताकि मेरे को वो सोल्यूशन बता सकें अगर उन्होंने सोल्यूशन ले लिया होगा इस बात का। तो ऑफिस पहुंच चुका हूं और इस वीडियो को करता हूं यहीं पे एंड। आई होप आप सभी को पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिल जाए आपको। मिलते हैं भाई ऐसे अमेजिंग व्लॉग्स में, कुछ मोटो व्लॉग्स में और कुछ ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।